नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। नजर डालते हैं 5 मिनट 25 खबरों पर। पीएम मोदी के संबोधन पर बोले राकेश टिकैत, हमें नहीं चाहिए 500 रुपए महीने की भीख, चाहिए एमएसपी का हक। पीएम मोदी के संबोधन पर बोले राकेश टिकैत। सर्जिकल स्ट्राइक से खौफ में जी रहा पाकिस्तान, यूएई में बोले पाकिस्तानी मंत्री महमूद कुरैशी, भारत फिर कर सकता है सर्जिकल स्ट्राइक, खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी। लद्दाख में टकराव खत्म करने को लेकर भारत चीन ने जताई सहमति, विदेश मंत्रालय ने एलएसी पर गतिविरोध को खत्म करने के लिए सैनिकों की वापसी को लेकर दोनों देशों ने जताई सहमति। सैन्य साहित्य महोत्सव में राजनाथ सिंह का बयान, मिसाइलों से अधिक हो रही है मोबाइल फोन की मारक क्षमता। बीजेपी नेता मुकुल राय का बयान, ममता बनर्जी बदले की भावना से कर रही है कार्रवाई, तृणमूल छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं को बनाया जा रहा है निशाना। आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सहित कई नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कंगना रनावत के खिलाफ आरएलपीएस ने दर्ज कराया मुकदमा। केंद्र सरकार ने तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक शुभेंद्र अधिकारी को दी जेड श्रेणी की सुरक्षा, सीआरपीएफ के दस्ते के साथ मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा। एक बार फिर चर्चा में आया बाबा का ढाबा, ढाबा के मालिक कांता प्रसाद ने लगाया गौरव वासन पर जान से मरवाने का आरोप। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, ट्वीट कर खुद दी जानकारी, फिलहाल उन्होंने खुद को किया आइसोलेट। मुंबई में घर आए दोस्त ने दोस्त को उतारा मौत के घाट, आरोपी की पत्नी पर किया था मृतक ने कमेंट, शव के किए गए 12 टुकड़े। पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर ने शुभेंद्र अधिकारी का इस्तीफा किया नामंजूर, सही फॉर्मेट में नहीं होने के चलते मंजूर नहीं किया गया इस्तीफा। मुंबई के ओसीवारा इलाके में तेज रफ्तार मर्सिडीज ने 19 साल के डिलीवरी बॉय को मारी टक्कर, हादसे में डिलीवरी बॉय की घटनास्थल पर हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस। अडानी ग्रुप ने खोला किसानों के खिलाफ मोर्चा, आंदोलन के विरोध में शुरू किया विज्ञापन अभियान, उत्तर भारतीय और पंजाब के अखबारों में दिया गया विज्ञापन। कोरोना काल में मुंबई के एक स्कूल ने पेश की बड़ी मिसाल, 3000 छात्रों की 1,80,00,000 की फीस की माफ, वर्सोवा में स्थित चिल्ड्रंस वेलफेयर सेंटर स्कूल ने दिखाई जिंदा दिली। हिमाचल में जबरन कराया धर्मांतरण तो होगी 7 साल की सजा, राज्यपाल ने विधेयक को दी मंजूरी, अधिसूचना जारी। एनसीबी की नोटिस का करण जौहर ने दिया जवाब, बॉलीवुड ड्रग्स केस में फिल्म निर्माता करण जौहर को एनसीबी ने भेजा था नोटिस। एमपी महाकाल मंदिर परिसर में खुदाई में मिले प्राचीन दीवार के अवशेष, मंदिर के पूर्वी द्वार पर चल रहा है खुदाई का कार्य। अखिलेश यादव ने संभल में किसान नेताओं को जारी किया नोटिस, निजी मुचलका भरकर विपक्ष पर साधा निशाना, ट्वीट कर बीजेपी को कहा जनविरोधी सरकार। किसानों का दर्द देख छलके सोनू सूद के आंसू, बोले वो बच्चों के साथ सड़क पर हैं, हम ये नहीं भूलेंगे। हाथरस कांड में दर्ज हुई आरोपियों पर चार्जशीट, चारों आरोपियों पर सीबीआई ने दायर किया आरोप, प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा सत्यमेव जयते। नोएडा एक्सटेंशन में रहने वालों के लिए खुशखबरी, 1 साल में बनकर तैयार होगा प्रतिका फ्लाईओवर, दिल्ली नोएडा के लाखों लोगों को मिलेगी सुविधा। बरेली में जज को नेस्तनाबूद करने की मिली धमकी, नहीं दी जमानत तो खत्म कर देगा पूरा परिवार, पत्र भेज कर दी धमकी। कोरोना वायरस को लेकर WHO की चेतावनी, अभी लंबे समय तक चलेगा कोरोना वायरस का प्रकोप, कोरोना को लेकर लापरवाही पड़ सकती है भारी। अमेरिका में परमाणु हथियारों की सुरक्षा प्रशासन और DOE के नेटवर्क पर हुआ साइबर हमला, हमलावर ने उड़ाए अहम दस्तावेज। कोरोना का कहर, यूरोपियन फुटबॉल की संचालक संस्था UEFA ने अगले साल होने वाले पुरुष और महिला U17 यूरोपियन चैंपियनशिप को किया रद्द। 5 मिनट 25 खबरों में फिलहाल इतना ही, खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।